1.1 ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। मैं पीसी जोशी, न्यूरोथेरेपिस्ट, गुरु पड़ाव हल्द्वानी से आज आपको एक और टिप देने जा रहा हूँ। कंधा जकड़ जाना या अकड़ जाना या कंधा नहीं उठा पाना, ऐसे अनेक परेशानियाँ आजकल देखी जा रही हैं और ऐसा ज़्यादातर लोगों में होता है। और फ्रोजन शोल्डर, जिनका कंधा बिल्कुल ही जाम हो जाता है। हालांकि कारण कई होते हैं, किसी को डायबिटीज़ की वजह से अंदर स्वेलिंग आ जाती है कंधे के सॉकेट में, या किसी के कंधे में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, या कंधे पे मार लग जाती है, चोट लग जाती है, ठीक है, या कंधा नीचे उतर जाता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी में हम क्या छोटा सा पॉइंट दे सकते हैं या क्या छोटा सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, इसमें यदि आपका कंधा उतर गया है या मार लग गई है या चोट लग गई है या कंधा नहीं उठ पा रहा है या फ्रोजन शोल्डर हो रहा है या कोई अन्य कारण हो रहा है जिसकी वजह से आपको कंधा उठाने में दिक्कत है या कंधे की परेशानी है, तो न्यूरोथेरेपी में एक छोटा सा ट्रीटमेंट है। इसके लिए आपको पाउडर लेना है और कान के इस साइड से इस साइड तक और इस साइड से इस साइड तक 22 बार इधर और 22 बार इधर, यानी कि 22 बार आपने ऐसे करके रब किया और 22 बार इधर रब किया आपने, एक मिनट का गैप दे दिया, फिर से आपने 22 बार इधर रब किया और फिर से 22 बार इधर रब किया, यानी कि 22 22 के दो सेट हो गए। और फिर एक मिनट बाद 22 का तीसरा सेट, फिर से 22 बार इधर किया और 22 बार इधर किया। इतना मात्र करने से आपको कंधे के दर्द में काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। उसके अलावा कई और भी ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, सिर्फ इतना करने से ही कंप्लीट नहीं होता। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो कृपया करके हमारे सेंटर पर आएं और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की यूट्यूब वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरा इसी तरह उत्साहवर्धन बनाते रहें ताकि मैं टाइम टाइम पे आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियो बनाते रहूं और आपका मार्गदर्शन करते रहूं। नमस्कार।